चलो। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रैवलिंग और एडवेंचर की दुनिया में आपका स्वागत है। जो रात में मैं रुका था वो यही पीछे वाला आश्रम है, उधर मैं रुका था। एक्चुअल में मेरे साथ हुआ यूं, जो आश्रम में मैं रुकने वाला था वो आश्रम ये वाला है, दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट। उधर मैं रुकने वाला था, पर वो आश्रम खुलने वाला है 1 तारीख को और परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है 5 तारीख को। तो अभी स्टे नहीं मिला था रात में, ये अंकल ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रात में रोक सकते हो, सुबह दोपहर को तुम को कुछ और जगह पे जाना पड़ेगा। और सीन ये हुआ कि सुबह मैं मॉर्निंग में जाग के मैं आश्रम में रहने के लिए पूछने के लिए चला गया दूसरे आश्रम को। तो उधर सीन ये हुआ कि वो सब पैसे ले रहे थे, कोई 500 रुपये ले रहा था, कोई 1000 रुपये कह रहा था। और 10-15 आश्रम में मैं घूमने के बाद मेरे को एक आश्रम में जगह मिल गई। उन्होंने बोला कि हमारे पास रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आपका हो जाएगा, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है पर आप रह सकते हो, उन्होंने कहा। मैंने कहा चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। चल, मैं 2 घंटे लगे मुझे एक आश्रम ढूंढने में जिधर मैं बिना पैसे रुक सकता हूँ। और खाने पीने की बात करूँ तो अन्य क्षेत्र है दूसरी जगह पे, जिधर मैं फ्री में खा सकता हूँ दोपहर को और रात को। प्रॉब्लम्स तो आएंगी सारी चीज़ों में, बस उसका सामना करना पड़ता है। 333 किलोमीटर्स नडिया टू जूनागढ़ हमने कवर किया, और वो भी बिना पैसे लिफ्ट मांगते हुए। मज़ा आ गया, थोड़ा कठिन था पर बहुत मज़ा आ गया। बहुत सारी मुश्किल भी आई, कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले, पर सब कुछ बढ़िया रहा। बिना पैसों से ही करेंगे, बिना पैसों से ही आएंगे जाएंगे, खाना भी बिना पैसों से ही खाएंगे। चलो चलते हैं उस आश्रम में जिधर मैं 4-5 दिन तक रुकने वाला हूँ। मतलब हम घूमेंगे पर जो हमारा मेन सामान है वो उधर ही रहेगा। ये आजू बाजू जंगल ही है और कुछ आश्रम है। परिक्रमा में आओगे तो सभी जगह फ्री मिल जाएगा खाने पीने रहने का, पर जब आप परिक्रमा के पहले आओगे या बाद में आओगे तो नहीं मिल सकता आपको। जब भी देखता हूँ ना माउंटेन्स को, दिल को एक अलग सा ही सुकून मिल जाता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है दिल के अंदर कि नहीं यार बढ़िया है, इस माउंटेन पर तो चढ़ना ही चढ़ना है कुछ भी हो जाए। इधर लिफ्ट भी है पर हम लिफ्ट का यूज़ करने ही नहीं वाले, हम बिना लिफ्ट के जाने वाले ऊपर। और 9999 स्टेप्स है जिसको हम कवर करेंगे, और कुछ अलग सा ही एडवेंचर ऊपर भी करना है तो देखना व्लॉग्स में आगे आएगा। और चलो चलते हैं। मेरे को जिस आश्रम में जगह मिली वो यही आश्रम है, ऐसा कुछ है। फ्री में स्टे। तो बहुत सारी जगह घूमने के बाद मुझे फ़िलहाल इस आश्रम में स्टे मिल चुका था, और इस आश्रम को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप भी कैसे इस आश्रम में फ्री में स्टे कर सकते हो।
ऐसा कुछ है रूम में। गिरनारियन क्षेत्र, इधर आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं अन्य क्षेत्र, आपको मिल ही जाएंगे। इधर देखो आपको फ्री में फूड मिल जाएगा। इस तरह से लोग बैठे हैं, बैठ के खाना होता है, अलग ही मज़ा होता है। ओ, हम अन्य क्षेत्र में खाना खा के निकल चुके हैं वापस आश्रम में आराम करने के लिए। कल से कुछ नहीं खाया था मैंने, सिर्फ 3-4 बार चाय पिलाई सबने, बारी बारी ऑफर की थी, और कुछ भी नहीं खाया था। रात को आके जो लास्ट में लिफ्ट मिली थी उन्होंने कुछ पैकेजेस दिए थे फूड के, और वो रात में खाए धर्मशाला में आके, और आज खाया दोपहर को। कल पता नहीं कौन सी एनर्जी ऐसी आ गई थी, मैं एक मिनट भी खाने के बगैर नहीं रह सकता। कल पूरा दिन में रह गया, पता नहीं क्या हो रहा था कल, पर बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसी वजह से खाने का भी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि चलो कुछ खाते हैं। कल का तो कुछ बात ही अलग थी, कुछ मज़ा ही कुछ अलग था। चलो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश होने में ही निकल गया। आज ना तो कुछ घूमे हम, सिर्फ और सिर्फ आराम किया है, और कुछ वीडियोस का डेटा ट्रांसफ़र करना था तो वो किया। अभी देखता हूँ भवनाथ में महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और आरती अभी चालू होगी। आज सूर्य ग्रहण है, और देखते हैं आगे। कल गिरनार चढ़ने का प्लान है मेरा, उधर ऊपर वन नाइट स्टे भी करने वाला हूँ, कैंपिंग करने वाला हूँ ऊपर। काफ़ी एडवेंचर है, मज़ा आने वाला है। जितने भी लोगों ने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और कमेंट करना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा व्लॉग में। चलो मिलते हैं आगे, भवनाथ के दर्शन के लिए चलते हैं।
अभी मैंने भवनाथ आरती में दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए। कोई भी सफ़र हो महादेव के बिना अधूरा है। कोई भी सफ़र हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप भगवान को मन से याद करके नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है मुझे तो। और मज़ा आता है, अच्छा लगा, दर्शन किया भवनाथ आरती में। और तो अभी मैं खाना खा के घूमने निकल चुका हूँ। आश्रम में रात को आने के बाद कुछ लोग आए थे जिनके साथ मैंने रात में बहुत सारी बातचीत की, और वो सुबह जाने वाले थे एक नए एडवेंचर पे। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम भी आओ, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।